डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करेंगे प्लैटीहेल्मिंथीस, प्लैटीहेल्मिंथस, फेशियोला, टीनिया सोलियम। ये नाम आपने बड़े सुने होंगे, बड़े कॉमन से नाम है, और इनको कॉमनली आप कहते हैं फ्लैटवॉर्म्स। फ्लैटवॉर्म्स क्यों कहते होंगे, मुझे पहले डिस्कस करने दीजिए। आप शुरुआत में जब आप इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, एक फेशियोला की डायग्राम है, और अगर आप इसका एक टीएस ले लें, मान लीजिए ये आपका फेशियोला है, फेशियोला हिपैटिका, और अगर आपको यहां से इसको काट दें, इसकी टीएस कर दें, तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा। तो जब आप कुछ सामने से देखेंगे तो आपको एक फ्लैट इमेज नजर आएगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है। इन सारे जितने भी इसमें एनिमल्स आप पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिंथस में, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फ्लैटवॉर्म्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसकी टीएस लेंगे तो सामने से देखने पर वो आपको फ्लैट नजर आएगी, इसलिए इसको फ्लैटवॉर्म कहा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, इसके कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़े ध्यान से इनको नोट करिएगा। ये कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 की 6 टर्म पहली बार यूज हो रही है एनिमल किंगडम में, फर्स्ट टाइम। सो वी आर गोइंग टू यूज दीज टर्म्स फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। नंबर वन, 3 distinct जर्म लेयर्स। अभी तक आपने जितने एनिमल मैंने डिस्कस किए वो सारे डिप्लोब्लास्टिक थे, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर्स में थी, लेकिन यहां से क्या शुरू हो गया, डिस्टिंक्शन शुरू हो गया तीनों जर्म लेयर्स का, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की तीनों आपकी जर्म लेयर प्लैटीहेल्मिंथ में बन चुकी हैं, इसीलिए ये इसमें पहली बार यूज हुई प्लैटीहेल्मिंथ से। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा फाइलम है जहां से तीनों जर्म लेयर का बनना शुरू होता है एनिमल किंगडम में, तो उसका नाम है आपका प्लैटीहेल्मिंथ। दूसरी, सीलोम। सीलोम टर्म पहली बार यूज होगी एनिमल किंगडम में, ये बेशक मान लीजिए ए सीलोमेट है, इससे कोई हमें मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि टर्म पहली बार यूज होगी सीलोम, तो वो भी यूज होगी आपकी प्लैटीहेल्मिंथ में। दूसरा, एलिमेंट्री कैनाल, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो बनी है एनिमल किंगडम में, वो प्लैटीहेल्मिंथ से बननी शुरू हुई है। अभी तक आपने एलिमेंट्री कैनाल नहीं सुना, अभी तक आपने स्पॉन्जोसील पढ़ा डाइजेशन के लिए, ठीक है, आपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पढ़ा, या अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ की तो आपने फूड वैक्यूल पढ़ा, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल वर्ड कहीं नहीं पढ़ा। तो एलिमेंट्री कैनाल वर्ड पहली बार यूज हुआ आपका प्लैटीहेल्मिंथ में। दूसरा, एक्सक्रीशन अभी तक आपने पढ़ा थ्रू डिफ्यूजन, लेकिन पहली बार एक स्पेशलाइज सेल बन गई है एक्सक्रीशन के लिए, तो वो भी टर्म पहली बार यूज हुई आपकी कहां पे, प्लैटीहेल्मिंथ्स में। अगला है आपका बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री का एक हायर वर्जन अगर मैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें एक ही प्लेन के थ्रू आप किसी भी एनिमल को 2 equal halves में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी बाइलेटरल सिमेट्री पहली बार यूज होगी आपकी प्लैटीहेल्मिंथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स कभी नहीं पढ़े अभी तक, तो सेगमेंट्स भी पहली बार यूज होंगे आपके, चाहे वो सूडो सेगमेंट ही सही, लेकिन जो टर्म है सेगमेंटेशन वो पहली बार यूज होगी आपकी प्लैटीहेल्मिंथ्स में। तो ये 6 की 6 टर्म स्टूडेंट्स पहली बार यूज हुई हैं, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है, और अगर इनमें से कोई टर्म आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो मेरी जो पिछली वीडियोज इस प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। चलिए अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। नंबर वन, मोस्टली एंडो पैरासाइट। ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, पैरासाइट्स हैं, और सारे के सारे क्या हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं। ये किसी दूसरे होस्ट के ऊपर रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फायदा करते हैं, ठीक है, मतलब एंडो पैरासाइट। दूसरा, ओनली फ्यू आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं मिलेंगे आपको, कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई पैरासाइट ना हो, तो ज्यादातर क्या होंगे स्टूडेंट्स, पैरासाइट होंगे। टिश्यू ऑर्गन लेवल, पहली बार हमने प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड पढ़ा, हमने सेल लेवल पोरीफेरा में देखा, फिर हमने सीलेंट्रेटा के अंदर सेल टिश्यू पे गए, लेकिन पहली बार टिश्यू बनने आपके स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि जो प्लैटीहेल्मिंथ्स हैं वहां से टिश्यू बनना आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अभी भी बॉडी सेक जो है वो ब्लाइंड सेक है, जो बॉडी प्लान है वो आपका ब्लाइंड सेक है। कैसे, एक ही ओपनिंग है, एक फेशियोला का डायग्राम है, तो एक ही ओपनिंग है जहां से
फूड अंदर जाएगा और बाहर आएगा, तो कोई दो ओपनिंग नहीं है। ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान अभी भी नहीं आया है, ठीक है कोई बात नहीं। सीलोम ए सीलोमेट है, कैविटी तो है, बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस तो है, लेकिन वो किससे फिल्ड है, मीजोडर्म से फिल्ड है, कोई कैविटी नहीं है, इसीलिए क्या हो गए, ए सीलोमेट हो गए। बाइलेटरल सिमेट्री मैं बता चुका हूं। दूसरा सीडो सेगमेंटेशन, इनके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉल्स सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको मेरी सेगमेंटेशन पे वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। और आपका रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन है, कोई भी अभी तक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं बना है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन हाँ एक्सक्रीशन के लिए जरूर बना है, जिस पर सवाल बनता है। तो हमारी जो अगली स्लाइड है वो यही है, फ्लेम सेल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको आप, फ्लेम सेल, फ्लेम फ्लेम सेल, ये क्वेश्चन आएगा कि फ्लेम सेल का जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फ्लेम सेल शो करता है, और फ्लेम सेल का जो है फंक्शन आपसे पूछा जाता है। तो फ्लेम सेल यहां लगी होती है फैशियोला के ऊपर, ये फैशियोला की बॉडी है और फ्लेम सेल बिल्कुल इसकी टिप पर यहां लगी है, और ये जो फ्लेम सेल है वो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक मेन कैनाल में लेके आती है और फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको बाहर निकालती है। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फ्लेम सेल, जो आपको याद रखनी है, जो एक्सक्रीटरी सेल है किसकी, प्लेटी हेलमेंट्स की। दूसरा जो नर्वस सिस्टम है वो आपका लैडर लाइक है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो लैडर लाइक का मतलब ये है वो देखने में बिल्कुल लैडर जैसा है। यहां देखिए आप प्लेनेरिया का डायग्राम है, उसमें ये नर्व कोर्ड्स हैं और यहां पर ये ब्रेन है और बीच में बिल्कुल आपकी लैडर जैसी आपको नजर आ रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स आगे आते हैं, मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट, मोस्टली क्या होंगे, हर्मोफ्रोडाइट होंगे। हर्मोफ्रोडाइट ऐसी ऑर्गेनिज्म है आपके जो जिसके अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म बियर करेगा, मतलब मेल और फीमेल जो आपके सेक्स ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म कैरी करेगा, उसको आप हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं स्टूडेंट्स, मेल भी फीमेल भी एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, वो आपके हर्मोफ्रोडाइट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कई बार ये टर्म अभी तक यूज हुई है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कोई लार्वा बनेगा। अब यहां लार्वा बनेगा नहीं, यहां बहुत सारे लार्वा बनेंगे, तो क्या होगा, एक लाइफ साइकिल के अंदर कई सारे लार्वा बनते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक एक पढ़ा है, चाहे मैं अब पोरीफेरा की बात करूं तो एम्बिब्लास्टुला हमने पढ़ा, मैं सीलेंट्रेटा की बात करूं तो प्लेन्यूरा उसमें देखा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक ही लाइफ साइकिल के अंदर आपको मीरासीडियम भी दिख रहा है फैशियोला में, आपको रेडिया भी दिख रहा है और आपको सर्केरिया भी नजर आ रहा है। तो एक ही लाइफ साइकिल के अंदर कई सारी लार्वल स्टेज प्लेटी हेलमिंग्स में देखने के लिए मिलती है जनरली। ठीक है, ये है आपका प्लेनेरिया, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक नहीं है, फ्री लिविंग एक ही मिलता है, वो है आपका प्लेनेरिया। दूसरा एग्जांपल है इसका फैशियोला, फैशियोला हिपैटिका, किसको डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है कैटल्स के अंदर, ठीक है फैशियोला हिपैटिका। और अभी जो हमने जितने भी लार्वा पढ़े वो सारे इसी फैशियोला के थे। ये जो भी फैशियोला है आपका, एस्केरिस है आपका, एंटमीबा है, ये सब मैं सारे ऑर्गेनिज्म को इनके लाइफ साइकिल को अलग स्लाइड में डिस्कस करूंगा, इसलिए अभी मैं यहाँ कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन इनका जो भी ह्यूमन हेल्थ वाला एक हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसमें एक एक की लाइफ साइकिल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है आपका शाइजोस्टोमा। कई बार सवाल आता है कि किसी यूनिसेक्सुअल फ्लैटवॉर्म का नाम बताइए, ये जो आपका सिस्टिसोमा है ये आपका यूनिसेक्सुअल प्लेटफॉर्म है जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, दैट मींस मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं, बाकी जितने आपके प्लेटी हेलमेंट्स हैं वो सारे आपके हर्मोफ्रोडाइट नेचर शो करते हैं। ठीक है, टीनिया सोलियम कॉमन एग्जाम्पल है, टीनिएसिस जो है डिजीज का नाम है, इसका भी लाइफ साइकिल मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। जो एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपका पिग है, और जब भी आप इसका अनडाइजेस्टेड फूड या अनकुक्ड फूड इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से टीनिएसिस हो जाती है, तो टीनिया सोलियम इसका कॉमन एग्जांपल है। दूसरा है आपका डॉग टैपवर्म, कॉमनली पूछा जाता है कि डॉग टैपवर्म के कॉमन एग्जांपल वो है आपका इकाइनोकोकस।
तो ये थे आपके प्लेटी हेलमेट्स की जनरल कैरेक्टर, कुछ टर्म पहली बार यूज हुई ये आपको याद रखनी है, और उसके दो या चार कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसके हेलमेट्स जो है आपके राउंड वर्म्स, और जैसे ही मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इनको फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है, तो उसकी पहली स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कि उसको राउंड वर्म क्यों कहा जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, अगली लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।